नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात करेंगे देश के साथ मध्य प्रदेश में संभावित बिजली संकट की। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश भी कोयले के संकट से जूझ रहा है। हालात ये हैं कि एमपी कभी भी ब्लैकआउट की चपेट में आ सकता है। हालांकि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार फिलहाल ऐसे किसी भी संकट से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये संकट देश पर क्यों गहराया हुआ है और इसके उपाय में सरकार क्या कर रही है, चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। पूरे देश में इस वक्त बिजली संकट एक बड़ी समस्या बनी हुई है। मध्य प्रदेश में भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रदेश में कई बिजली कंपनियों के पास कोयले की कमी बताई जा रही है, जो सबसे बड़ा संकट माना जाता है। इस वक्त देश भर में दशहरा मनाया जाना है, इसके बाद दीपावली आने वाली है। ऐसे में अगर समय रहते इस संकट को दूर नहीं किया गया तो पूरा प्रदेश अंधेरे में डूब जाएगा। अब इसकी वजह की बात करें तो देश में कोयले से चलने वाले कुल 135 पावर प्लांट हैं। सभी पावर प्लांट को 20 दिनों का कोयला स्टॉक में रखना होता है। फिलहाल देश के अधिकतर प्लांट में 4 से 5 दिनों का स्टॉक बचा हुआ है। अब इस संकट को लेकर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का कहना है कि ये पूरे देश का मामला है। मध्य प्रदेश बाकी राज्यों से अच्छी स्थिति में है। जो भी संकट है उसे समय रहते दूर कर लिया जाएगा। प्रदेश में कोई बिजली कटौती का अभी सवाल नहीं है। इस समय निर्बाध रूप से मध्य प्रदेश में जितनी मांग है उतनी आपूर्ति हम कर पा रहे हैं। और कोयले की बात आप करना चाहते हैं तो कोयले में मध्य प्रदेश में अभी 2.5 लाख मेट्रिक टन कोयला लगभग हमारे यहाँ स्टॉक में है। हमने 8 लाख मेट्रिक टन कोयला खरीदने के टेंडर किए हुए हैं। और कल की बात मैं कर रहा हूँ, 10 तारीख, उसमें भी हमको 12 रैक मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना बड़ा संकट नहीं है तो फिर इस पर इतना बवाल क्यों मचा है। केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्री ने भी इस संकट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभी जो डिमांड बढ़ा है और बढ़ा हुआ है और जितना भी डिमांड बढ़ा हुआ है उसको हम मीट कर रहे हैं। अभी और भी डिमांड बढ़ेगा उसको भी हम मीट करेंगे, ये इसके लिए हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है। संकट का है तो इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। ये वक्त राजनीति करने का नहीं। प्रदेश में संचालित बिजली कंपनियों के पास अगर जरूरत के मुताबिक कोयला नहीं है तो समय रहते कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित कर प्रदेश को बिजली संकट से बचाने का काम करना चाहिए। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सनवर पटेल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सनवर पटेल जी, एक तरफ देश में ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 दिन का मोस्टली कोयला बचा हुआ है, तो मध्य प्रदेश में हालात कैसे बेहतर हैं सर, जबकि यहाँ पर पिछले 1-1.5 महीने से ही ग्रामीण इलाकों में बिजली की कटौती हो रही थी। खुद आपके विधायक धरना प्रदर्शन की बात कर रहे थे, तो ये कह देना कि कोई संकट नहीं है, हम तो पर्याप्त बिजली दे रहे हैं, सर कम से कम सरकार को सही चीजें सामने नहीं रखना चाहिए ऐसे वक्त में? अगर संकट है तो है, उसको बताना चाहिए। देखिए लोकेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने संकट की बात कही है, ये संकट हमने अभी समाचार पत्रों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देखा है कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोयले का संकट और बिजली का संकट आया है। खास तौर पर हमारा जो पड़ोसी मुल्क चाइना है, वहां तो ये स्थिति बनी है कि लगभग 1.5 महीने के फैक्ट्रियां बंद रह रही है बिजली के कारण से। देश में भी हमारे कहीं ना कहीं संकट की स्थिति बनी है, लेकिन मध्य प्रदेश हमारा राज्य उन सब बातों से अच्छी स्थिति में है। जैसा आपने अभी हमारे, मैं यही तो जानना चाहता हूं कैसे। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के मित्र पिछले 30 दिन से ये कह रहे हैं कि 3 दिन का कोयला बचा है, 3 दिन बाद ब्लैकआउट हो जाएगा, तो फिर 27 दिनों से वो 3 दिन पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं? ऐसे नंबर वन। नंबर टू, 2.5 लाख मैट्रिक टन कोयला आज की तारीख में मध्य प्रदेश में स्टार्ट है। 8 तारीख को 10,000 मैट्रिक टन कोयला हमारे यहाँ मंगवाया गया है। कल भी जैसा आपने अभी सुन बताया हमको
कि 12 रेक कोयला कल भी मध्य प्रदेश में आया है और 8 लाख मैट्रिक टन के हम ऑर्डर कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो संवेदनशील सरकार है, जनता की हितेशी सरकार है। मध्य प्रदेश के अंदर और सारे देश मेरी बात हो जाए लोकेंद्र जी, मध्य प्रदेश में और देश भर में अभी हमारे सामने दशहरा आने वाला है विजयदशमी के रूप में, दीपावली आने वाली है, त्योहार पे मांग बढ़ेगी और रबी की फसल आ रही है, जब बुवाई हो रही है, रबी की फसल की बुवाई होगी तो किसानों के लिए बिजली की मांग बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में संवेदनशील सरकार मध्य प्रदेश की है, उन्होंने सारी बातों की चिंता करते हुए कैसे हम एडवांस में सारी बातों की चिंता करते हुए और बिजली की आपूर्ति पर्याप्त बनाए रखें, 10 घंटे और 24 घंटे खेती के लिए कम से कम 10 घंटे और घरों के लिए 24 घंटे बिजली के पर्याप्त इंतजाम हो, ये मध्य प्रदेश की सरकार ने सुनिश्चित करने का काम किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, दो तीन चीजें हैं मैं जानना चाहता हूँ। एक तो देखिए उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, वहां पर उनके ऊर्जा मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि अभी कुछ दिक्कतें होंगी, बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं पहले से ही। मध्य प्रदेश में ये स्थितियां काफी दिनों से हम देख रहे थे कि बन रही हैं, उस पर कोई इनकार कर रहा है, कोई मान रहा है, संकट था उस दौरान भी, पैसों को लेकर भी संकट सामने आ रहा था। लेकिन दो तीन बुनियादी सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये पहली बार रबी की फसल उगेगी इन दिनों में, क्या पहली बार त्यौहार आ रहे हैं देश में, क्या कोरोना के बाद जब ये पता था कि एकदम से लॉकडाउन हम खोलेंगे तो मांग बढ़ेगी तो उसके लिए हमने तैयारी क्या की। ये भी पता है कि हर साल बिजली की खपत 10% के आसपास बढ़ जाती है, कोई ज़्यादा तो इस बार नहीं बढ़ गई, तो उसके लिए क्या तैयारी थी। दूसरा ये कि जो चाइना ने हमारा माल अटकाया हुआ है उसको क्यों नहीं ला पा रहे हम अपने देश में, ये तमाम चीज़ें पूछी जा रही ना, ये व्यवस्थाओं को लेकर हैं, ये सिर्फ मध्य प्रदेश का मसला नहीं है, केंद्र का भी मसला है। और क्योंकि सरकार आपकी है वहां भी, तो सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि क्यों ना इसे एक फेलियर के तौर पर भी देखा जाए। लोकेंद्र जी, बहुत ही विनम्रता से मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि बार त्योहार के कारण से संकट है, रबी की बुआई के कारण से संकट है, हमने ये नहीं कहा। हम ये कह रहे हैं कि बार त्योहार आने वाले हैं, इस बात की भी पहले से चिंता की गई है, ये ब्लैकआउट नहीं होगा मध्य प्रदेश में। हम ये कह रहे हैं कि रबी की फसलों में जो ज्यादा बिजली लगने वाली है उसकी भी चिंता की है मध्य प्रदेश ने, यहाँ पर ब्लैकआउट होने वाला नहीं है, मध्य प्रदेश अन्य प्रांतों से बेहतर स्थिति में है, ये बात मैंने कही है। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जो मध्य प्रदेश में पूरे लोग देखते हैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है संवेदनशील मुख्यमंत्री है और मध्य प्रदेश के लोगों की चिंता करने का वो काम करते हैं। मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। स्वदेश शर्मा जी, सर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि संकट है, लेकिन यहाँ पर सनवर पटेल जी का ये कहना है कि संकट तो है लेकिन उसके लिए काम भी तो कर रही है सरकार जी। जयंत वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत वर्मा जी, ओवरऑल ये जो संकट है और खासकर मध्य प्रदेश का, जहां पर पिछले साल के मुकाबले इस बार बहुत कम कोयला है और प्रोडक्शन भी घटा है, तो ये संकट किन कारणों से आपको नजर आता है और सरकार जिस तरीके से इसे टैकल कर रही है उसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए लोकेंद्र जी, जैसा अभी बताया गया कि लगभग 20-22 दिन का स्टॉक रहना चाहिए जितने थर्मल पावर स्टेशन से, बिल्कुल, परंतु अभी जब लॉकडाउन था उसमें तो इतनी ज़्यादा सप्लाई तेजी से हो रही थी कि जो ही आप ऑर्डर कर रहे थे मिलता जा रहा था, तो ये सोचा गया कि भाई अब एक हफ्ते का ये स्टॉक रखना चाहिए, तो सब लोगों ने एक हफ्ते का स्टॉक रखने की परंपरा एक डाल दी। फिर यह है कि बरसात में जो सितंबर में अभी काफ़ी बारिश हुई तो ओपन कास्ट माइन जितनी भी थी उनमें पानी भर गया और वहाँ से फिर कोल की सप्लाई में थोड़ी सी दिक्कत आने लगी। तीसरा यह है कि जो इम्पोर्ट होता था कोयला
वो अब दाम बढ़ गए हैं काफी कोयले के, तो इसके कारण इंपोर्ट कम हो गया है और कोल इंडिया के ऊपर सारा लोड आ गया है, तो कोल इंडिया एकदम से उस लोड को पूरा का पूरा मतलब सहने की स्थिति में नहीं है। और जैसे अभी कह रहे हैं कि वो हमारे पास कोयला बहुत है, पर बिरसिंहपुर के जो थर्मल पावर स्टेशन है उसके 2 यूनिट बंद है, तो स्थिति ऐसी नहीं है जैसी बताई जा रही है। अभी तो संकट है और मुझे लगता है कि इसमें अभी यह है कि खपत तो बढ़ेगी ही, दिवाली आने वाली है तो इसमें लोड शेडिंग हो रही है। दिन में आज भी यहाँ हेडक्वार्टर है जैसे जबलपुर में मध्य प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी का, परंतु यहाँ पे भी 4-5 घंटा लाइट बोल रही शहरों में, तो इसका मतलब यह है कि अभी कोयले को जितनी खपत है उस खपत को कम करके थोड़ा सा लोड शेडिंग करने की अभी एक डाली है स्थिति। तो अभी टेंडर हुआ है 2 लाख टन का, अभी टेंडर हुआ, कब सप्लाई होगा, कब टेंडर पास होंगे, ये सब बड़ी अभी इतनी आसान नहीं है मामला। तो मुझे लगता है ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है ये काफ़ी लंबा चलेगा, 1-2 महीने तो कम से कम चलने का है। और टोटल जितनी भी बिजली है इंडिया में उसका लगभग 60% के करीब तो थर्मल पावर से आता है, फिर सेकंड अक्षय ऊर्जा सा है जो नॉन जो ये है अपने सौर ऊर्जा वगैरह है, फिर थर्मल पावर स्टेशन हाइडल स्टेशन से बहुत कम आ रहा है। तो हाइडल स्टेशन में तो पानी अभी सब जगह है और उसके कारण होगा, परंतु थर्मल पावर ही में सबसे ज़्यादा है और वो कोयले से भाप बनती है और उसके कारण ये है। न्यूक्लियर पावर तो बहुत कम है, मतलब वो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि अभी ये जो थर्मल पावर स्टेशंस की स्थिति है ये अभी थोड़ा गंभीर बनी रहेगी और 1-2 महीना हमको लगता है। ओवरऑल देखिए जयंत वर्मा जी, ये कहा जा रहा है कि ये संकट 6 महीने भी चल सकता है इसी तरीके से, और इसमें जो हम सोच रहे थे कि ग्रोथ हो जाएगी हमारी लॉकडाउन से, अब हम धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, उसको बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि इंडस्ट्रीज का कामकाज बहुत इससे प्रभावित हो सकता है। जी जी ये तो सही है, क्योंकि अभी जब लॉकडाउन के बाद इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन एकदम से बढ़ा है, डिमांड बढ़ी है, तो उसके चलते उनको तो काफ़ी बिजली चाहिए और यदि बिजली नहीं मिलेगी तो वो इकोनॉमी पे असर होगा एकदम से। और खरीफ की फसल जो है, बारिश तो कम हुई है काफ़ी जगह पे, तो खरीफ रबी की फसल में अब सिंचाई के लिए भी बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी, तो ऐसा लगता है कि ये नॉर्मली ऐसा लगता है 1 महीना, परंतु हो सकता है पूरे देश की स्थिति देखी जाए तो 6 महीने तक की भी अभी संकट का सामना करना पड़ेगा। सनवर पटेल जी, ये गंभीर है, अगर जो आकलन किया जा रहा है कि ये संकट लंबा चल सकता है, और अगर लंबा चला तो जो हमारी उम्मीदें थीं कि हम ग्रोथ करेंगे लॉकडाउन के बाद, वापसी पर चीज़ें आएंगी, उनको बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आप बेशक ये कहकर बचने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस रोज 3-3 दिन कहती है, लेकिन वो आपको भी पता है कि वो 3 दिन की व्यवस्था करते हैं तो फिर अगले 3 दिन चलता है, जबकि 20-22 दिन का स्टॉक होना चाहिए, ये 3 दिन की व्यवस्था कर थोड़ी काम चलेगा। सर बिल्कुल सही कहा हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी माननीय जयंत वर्मा जी ने कि ये घड़ी जो है मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि ये घड़ी ऐसे घड़ी है जब दुनिया में हमने कभी सुना नहीं, कभी सोचा नहीं कोरोना क्या होगा, जो सारी दुनिया को बंद कर देगा, सारी आर्थिक परिस्थितियां, लोगों की जान और जहान दोनों बचाने की के हालात आ गए, परिस्थितियां विकट हो गई। जैसा आपने कहा कि 40% कोयले की आपूर्ति बाहर से कम हो गई, दुनिया के अन्य देशों में भी, मैंने शुरुआत में कहा था कि चाइना में 15 दिन तक 30 दिन में से 15 दिन एक फैक्ट्री चलाई जा रही है और 15 दिन दूसरी, ऐसा भारतवर्ष में नहीं हुआ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि संकट नहीं है, मुश्किल नहीं है, मैंने ये कहा कि संकट और थोड़ा हमें आपको लगता है कि इस संकट में खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए, और अगर बिजली कट हो रहा है तो उससे भी लोगों को अवगत कराया जाए कि बिजली कट हो सकता है, उनको अंधेरे में ना रखा जाए। आज भी 10 घंटे और 24 घंटे का रेशियो पूरा किया जा रहा है, इसमें भी मनाही नहीं है, कहीं 4 घंटे बिजली गई है तो मेंटेनेंस के चलते भी जा सकती है और अन्य उसके कारण भी हो सकते हैं, लेकिन आज जो हमारे विपक्षी मित्र कह रहे हैं कि पूरा ब्लैकआउट होने वाला है, ये बात सरासर गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंतरराष्ट्रीय कारणों के साथ साथ
जो सिंगरौली का हमारा कोल खदान है, जो हमारा प्लांट है, जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट कहा जाता है, वहां पर भी कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की कमी के कारण से कोयले की का उत्पादन में कमी आई है, नंबर वन। नंबर टू, सितंबर माह में कभी भी हमारे देश में ऐसी वर्षा नहीं होती जितनी इस साल हुई है। सितंबर में अति वर्षा के कारण से भी हमारे उत्पादन में कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद इन कारणों से, ये प्राकृतिक कारण है, इनके ये कारणों के बावजूद भी मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री है, वो मध्य प्रदेश की आठ स्वदेश शर्मा जी कुछ कहना चाहते थे, वो पैच नहीं हो पा रहे थे बहुत देर से, बोलिए स्वदेश शर्मा जी। और मध्य प्रदेश की जनता को कोई मुश्किल नहीं आने देंगे। स्वदेश शर्मा जी, लोकेंद्र जी, ये बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है और देश भर पर समस्या थी, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा ही है। मध्य प्रदेश में 16 प्लांट होने के बावजूद 9 प्लांट बंद है और सरप्लस बिजली होने एक के बावजूद प्लांट बंद है, खंडवा में सिर्फ एक प्लांट। अरे अरे आप बोले दीजिए, मैं चुप रहा जब तक शर्मा जी चुप रही है। आप सुनिए, जनता देख रही है, न्यूज स्टेट के दर्शक आपको देख रहे हैं, आप बोले नहीं दे रहे, बात तो पूरी होने दीजिए। लोगों से छुपाना है आपको, मुझे मेरी आवाज दबाना है, बोलिए शर्मा जी, शर्मा जी बोलिए जल्दी। आपको पता होना चाहिए, आप 9 दिन में 88,000 मीट्रिक टन कोयला की जला चुके हैं 9 दिन में, 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। और आपके थर्मल जो प्लांट हैं उनमें 5400 मेगावाट आपको उत्पादन करना है, जिसमें सिर्फ 1450 उत्पादन हो रहा है। चाहे बिरसिंहपुर को ले लें हम, तो वहां 7 दिन का कोयला है, अगर हम सिंगाजी की बात करें तो 2 दिन का कोयला है। अरे निजी कंपनियों से बिजली दे करके आप जो रोशनी देने की काम कर रहे हो, जरूर भ्रष्टाचार की बू आ रही है इसमें, आप इस बात को समझिए। अब तक ऐसा नहीं हो पाया, मध्य प्रदेश सरप्लस बिजली वाला राज्य रहा है और मध्य प्रदेश के ये हालात है। आपने देखा होगा कमलनाथ जी की सरकार आई 2018 में, हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया। आज हम ये देख रहे हैं हमारे किसान गरीब मजदूर परेशान है। लेकिन दिक्कत ये नहीं है स्वदेश शर्मा जी, आपको नहीं लगता कि राज्य सरकारें इस तरह की स्कीम तो ले आती है, लेकिन जब कोल इंडिया के पैसे देने की बारी आती है तो वहां पर फिर हम देखते हैं कि लेट लतीफी होती है। कोल इंडिया कितना कर्जे में, आपको पता हो? बिल्कुल सही बात का, सही सवाल किया आपने लोकेंद्र जी। कोल कंपनियों की जो आपूर्ति इसलिए ठप हो गई है कि उनका भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। सरकार अपनी ब्रांडिंग और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जिस तरह का चक्रव्यूह रच रही है, इससे पिस रही है मध्य प्रदेश की जनता। और ये अकेले मध्य प्रदेश का हाल नहीं है, ये पूरे देश का हाल है। कुल मिलाकर के ये है, इन्हें जनता की परवाह नहीं है। आप ये मानते हैं स्वदेश शर्मा जी की बिजली का संकट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। देखिए, केंद्र सरकार जो व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। जहां कांग्रेस की और जागरूक मुख्यमंत्रियों की सरकारें हैं, वहां व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद है। वहां 20 से 25 दिन का कोयले का स्टॉक है, बराबर है। उनको स्पेशल कहीं ऑस्ट्रेलिया उनको सप्लाई कर रहा है, इंडोनेशिया उनको कहीं से अलग सप्लाई कर रहा है, या कोल इंडिया से कोई उनकी गहरी दोस्ती है कि उनको अलग से सप्लाई किया जा रहा है? सौदेश जी के अनुसार भूपेश बघेल जी झूठ बोल रहे हैं और उनको पूरी आपूर्ति हो रही है। आशा है कि हम भी यही कह रहे हैं, प्रदेश के हालात इसलिए हो रहे हैं, इसलिए इन प्लांटों की बात लगाने पर चल रही है सरकार, निजी कंपनी आ रहा है जा रहा है होने की। चलिए, हम भी ये कह रहे हैं 24% की वृद्धि हुई है, हम भी तो यही कह रहे हैं साहब। अब आप आपकी बात जो है छत्तीसगढ़ के लिए अलग हो जाती है और मध्य प्रदेश के लिए अलग हो जाती है। अरे मध्य प्रदेश में संवेदनशील सरकार है, चिंता करती है। ये पैसा क्यों रोका जाता है सर, सरकारों की तरफ से क्यों पैसे नहीं दिए जाते? ये क्या फिर तो कुछ लोगों को ये भी आशंका है कि ये तो एक प्लानिंग की जा रही है कि लोगों को समझा दिया जाए कि हम 15-16 रुपए प्रति यूनिट बाहर से बिजली खरीद रहे हैं, तब जाकर आपूर्ति की जा रही है, अब तो बिल बढ़ाना पड़ेगा, इस तरह की लोगों को आशंका है? देखिए, पैसे लगातार कंपनियों को देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, आगे भी करेगी, और बिजली संकट को यहाँ नहीं आने दिया जाएगा। कांग्रेस के पैसे बढ़ेंगे क्या? बिजली संकट तो ठीक है, निपट जाएगा, लेकिन इसका बोझ क्या जनता पर डाला जाएगा बाद में?
देखिए इस पर किसी प्रकार का मध्य प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा, ये जनता की सरकार है, ये जनता गांव गरीब और किसान की सरकार है, ये जनजाति भाइयों के लिए सरकार है, ये पिछड़ा वर्ग के भाइयों के लिए सरकार है, ये कमलनाथ जी नहीं है कि 15 महीने की सरकार में हाहाकार मचा दिया, 15 माह में नीचे नहीं गए। जयंत वर्मा जी के पास में आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ संदीप जी आपके पास। जयंत वर्मा जी, ये जो आशंका कुछ लोगों की तरफ से जताई जा रही है कि कोल इंडिया कुछ नहीं करता और वहां से जो कोयला आता है वो खराब आता है और जो बाहर से कोयला आ रहा है अच्छी क्वालिटी का है, वो हमारी खदानों में काम नहीं हो पा रहा, पानी भर गया, इसके अलावा कर्जे में तो है ही, वो पैसा नहीं जाता राज्य सरकारों की तरफ से टाइम से, दूसरा ये दिखाना कि महंगी बिजली खरीदी जा रही है, क्या ये कुछ लोग इस चीज़ को लेकर आशंकित भी हैं कि ये एक बेस तैयार किया जा रहा है बिजली के बिल बढ़ाने का? हाँ ये तो है। खैर जब से वो पूरा का पूरा एक DFID ने पूरा पावर सेक्टर रिफॉर्म का पूरा प्रोजेक्ट दिया था और ये दिग्विजय सिंह के ज़माने से चल रहा है, तो उसमें ये था कि अब इतना लोन हम देंगे उसमें एक ट्रेंच होगा, आपको पावर सेक्टर पावर का टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा, और ये हुआ है कि कई बार, एक बार तो यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी थे जिन्होंने वो पूरा DFID की वो एग्रीमेंट साइन की थी, वही बाद में रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बन गए और वो जो उनने एग्रीमेंट किया था उसी के तहत वो टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो टैरिफ तो बढ़ता जा रहा है। और फिर ये है कि दिग्विजय सिंह के ज़माने में भी और फिर बाद में शिवराज सिंह के ज़माने में भी निजी कंपनियों के साथ जो एग्रीमेंट हुए हैं उसमें ये हुए हैं कि भाई वो हमारे को रिक्वायरमेंट हो या ना हो हम आपको चाहे आपसे बिजली लें ना लें आपको इतना रुपया देंगे, तो वो सारे के सारे एग्रीमेंट हैं वो उनको रिव्यू करना चाहिए। पर अब ये तो पॉलिटिक्स की पूरी बात है और जहाँ तक दिग्विजय सिंह के ज़माने की बात है तो उस समय पावर सेक्टर जो है और पूरा MP भी जो पहले होता था वो पूरा का पूरा इनडायरेक्ट रूप से कमलनाथ जी के ही निर्देश पे चलता था और उन्हीं के इशारों पे सारा काम होता था। तो ये है कि अब इसमें तो दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं बराबर, ये जो निजीकरण वाले मामला है इसमें तो मुझे लगता है कि मैं आखिरी रिएक्शन ले लेता हूं स्वदेश शर्मा जी से। तो स्वदेश शर्मा जी, क्या निजीकरण की तरफ तेजी से हम बढ़ रहे हैं इस मामले को लेकर आपकी नजरों में? जी सॉरी, क्या निजीकरण की तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं हम इन सब चीजों को समेट कर, चाहे कोयले की बात हो या बिजली की बात? ये तो पूरा देश जान रहा है कि कांग्रेस की सरकारों ने राष्ट्रीयकरण किया है और ये निजीकरण करने पर तुले हुए हैं। जिस तरह से 23 कंपनी सरकारी कंपनियों को बेचा जाने लगा है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें अब कौन सी कंपनी बेचने के लिए आमादा हो गए हैं, ये निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ चक्कर रचा जा रहा है। 30 सेकंड अनवर पटेल जी, रिएक्ट कीजिए इस पर जल्दी से। मध्य प्रदेश की जनता इसको नहीं समझ पा रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने इस विषय के ऊपर जो डिबेट की है ये मध्य प्रदेश। चलिए सर, समय नहीं है, माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ, आप सभी को शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, लेकिन संकट गहराया हुआ है, लोग भी आशंकित हैं इस चीज को लेकर कि ब्लैकआउट ना हो जाए। सरकार आश्वासन दे रही है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी, त्यौहार अच्छे से मनेंगे, उम्मीद हम भी यही करते हैं और इसका कोई अतिरिक्त बोझ जनता पर ना आए ये उम्मीद भी करते हैं। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।